वासुदेवाया। मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाया। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरत्नाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण कमलाकर हे शुद्ध करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय बोलते श्रीमद राधा गोविंद सर्वनाम सर्वपादाय देवाय श्रीमद राम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय बोलते श्रीमद भक्ति विनोद स्वामी तनाम ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणी ने शिक्षा सुनवादी हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा है। वी कुड नॉट कनेक्ट टू यू योर सिलेक्टेड कैमरा, प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट कैमरा। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि लगता है कहीं बच्चों ने कोई तो कैमरा इसमें अलग से लगता है स्टार्ट कर रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा इसमें कैमरा, थोड़ा सा मुझे देखना है बस इसमें कुछ इसमें जो एक सेकंड मुझे दीजिए, कोई कौन सी सर्विस रन कर रही है मुझे थोड़ा देखना। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर स्कैन करता हूँ, शायद कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या हो गया इसके कैमरे को? कोई याद नहीं। तो अभी मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर आप लोगों को? हरे कृष्ण जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है तो अभी मैं कैमरे की व्यवस्था कर देता हूँ। पता नहीं इसमें बच्चे लोग कौन कुछ कुछ इसमें एप्लीकेशन चलाते हैं लेकिन इंटरनली चल रहा है, कहाँ चल रहा है दिख नहीं रहा है। तो मैं कैमरे की व्यवस्था दूसरा कर देता हूँ। कैमरा आप यहां से देख लीजिए, आवाज आ रही है। ओके हरे कृष्णा। तो अभी जो है हम लोगों ने हृदय परिवर्तन देख रहे हैं और इस हृदय परिवर्तन में जो है हम कौन से श्लोक में है कौन बताएंगे हमें?
14-15 हमने खत्म कर दिया था, है ना। और 16 जो है हम लोग आने वाले। अब जो है अभी तक हमने देखा कि किस तरह से बताया जाए, बताया गया कि परीक्षित महाराज बचपन में ही, बचपन से ही जो है किस तरह से वो खेल कूद में अगर रहते भी थे तो भी अपने ऐसा खेल खेलते थे जिसमें, जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चे कैसे खेलते हैं, जो जो बच्ची है धाम से प्रभु की वो बन जाती है, राधा रानी ये लोग बन जाते हैं, कृष्ण बलराम ऐसे बन जाते हैं, कुछ कुछ बनकर ये खेलते रहते हैं। तो खेल भी ऐसे खेलते हैं जिसमें कुछ बन जाएंगे, ये खेले कभी वो नरसिंह बन जाएंगे। तो भगवान को तो अगर खेल भी खेला जाए, तो भगवान की लीलाओं का खेल खेला जाए तो वो भी बहुत उत्तम जो है होता है, हमें भगवान की लीलाओं का खेल खेलना चाहिए। तो कहते हैं 16वें श्लोक में, तो 16वां श्लोक अजय प्रभु जी आप पढ़िए एक बार। व्यास की च भगवान वासुदेव परायण गुरु गाय गुणोदार सताम शूही समागमे। अरे बोल, बहुत उत्तम। अब आप लोगों के बिल्कुल सुर बहुत अच्छा आ गया है, बहुत अच्छा आ गया, मतलब अब आप जो है किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं, अब आप अगले भक्ति शास्त्री आप लोग होंगे। तो कहते हैं इसमें व्यास देव, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। तो दो दो लाइनों को अलग अलग लिखा गया है, ये थोड़ा सा आप समझिए, दो लाइन को अलग अलग बताया है, बोला गया है ना। तो इस समय कौन बोल रहे हैं, ये लाइन कौन बोल रहा है बताइए। शुद्ध गोस्वामी। और कौन बताएगा कौन बोले ये लाइन? सूजी महाराज। और बताइए कोई अलग कुछ आंसर हो किसी का, तो चौनक जी। सूत जी भी सुनने काम, सूत जी तो बोल चुके जितना पीछे बोलना था, अभी सोनक जी सूत जी से बोल रहे हैं, है ना। तो पीछे देखिए, देखा सोनक उवाच, तो 13वां श्लोक में बोला था, फिर 14वां श्लोक बोला, फिर अब 15वां वो बोला, अब हम 16वां वो हमको बोल रहे हैं, है ना। तो कौन बोल रहे हैं? सोनक जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। इसका मतलब है कि दो चीजें, है ना, दो चीजें अलग अलग मेंशन की गई, अलग अलग दी गई है कि इसका मतलब जो पूर्ण ज्ञानी है ना, जरूरी नहीं कि वो भक्त हो, है ना, नहीं तो केवल ज्ञानी लिख देते, पता चल जाता वो भक्त तो होंगे होंगे। तो उन्होंने बोला वो पूर्ण ज्ञानी भी थे, उसके साथ साथ पूर्ण महान भक्त भी थे। तो इसका मतलब अगर आपको ज्ञान हो गया तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको पूरी भागवतम पढ़ डाली, आपने पूरी भगवदगीता ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूर्ण भक्त बन चुके हैं। ज्ञान अलग है और भक्त अलग है, भक्ति अलग है ज्ञान अलग है, ठीक है, ठीक है। अतएव भगवान कृष्ण विषय चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। कहे अगर कोई चार लोग बैठे तो कृष्ण की बातें करते ही रहेंगे, पक्का करेंगे। अभी हम जो है कई बार योगा योगा के लिए कॉल आते रही, खूब योगा योगा खूब होता रहा, योगा शुरू हो गया क्या, तो मैंने दो चार टीचरों से बात करी, जब कोई नहीं सिखाया तो हम योगा किया करते थे, अब योगा आजकल अपने लिए भी कर रहे थे, हमने कहा चलो उसी समय को हम जो है सिखाने में लगा देते, हमने कहा आ जाइए क्लास करना शुरू कर दीजिए। तो आए, आज हमने पहली क्लास करी सुबह सुबह योगा की 6 बजे, तो जो है उसमें हमने क्या किया, ओम अज्ञान तेमरा अंधस्था से स्टार्ट किया, ईश्वर परमा कृष्णा में खत्म किया। भक्त तो अपना ही काम करेगा। तो उनको जो है बाकी बीच जो योगा वो बीच हमने भी था कि आप योग कर रहे हैं, आप कृष्ण से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला कथा चल रही कि योगा चल रहा है, वो बात दूसरी की हमने योगा करवाया उनको। लेकिन जो है लेकिन हमारा जो स्टार्टअप और एंड होता है ना, वो भगवान के ऊपर ही होता है, यानी भक्त जो भी काम करेगा वो भगवान को देखिए, भगवान ने कहा है, मैं तुमको ये नहीं कहता तुम जुम्मा ना सिखाओ, योगा ना सिखाओ, कथा ना करो, कुछ ना करो, जो करो मुझे सेंटर रख के करो, अगर मुझे सेंटर रख के करोगे तो सबका भक्ति हो गया। तो हमने शुरुआत हुई ओम अज्ञान से करके ईश्वर परमा कृष्णा में खत्म कर दिया, और जो और उनको लगातार योग में ही बोलते रहे, अपने सास में कृष्ण को सोचिए बाहर निकालते,
जो सोचिए महसूस करिए आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करके उनको बोलते रहे। तो जो है बाद में हमने पूछा भाई पहली डेमो क्लास के लिए बहुत उत्तम लगी, तो अब उनको लग रहा। तो देखिए हम यहाँ पे केवल बिजनेस इज नॉट द टारगेट, केवल कि बिजनेस ही कर रहे हैं वही एक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है भगवान से लोगों को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे। अगर भगवान से आप नहीं जोड़ पाए इसका मतलब बिजनेस बेकार है। हर हर बिजनेस में भगवान से जोड़ना है। जो हमारा लिट स्पीकर स्टूडियोज है उसमें हमने जो है लोग, एक बार मैंने देखा लोग नॉनवेज लेके आ गए ऑफिस खाने के लिए स्टूडियो, मैंने सबको एक लाइन से खड़ा करके बोला कि उस प्रोमाइसिस के अंदर जिसको खाना बाहर खाए प्रोमाइसिस के अंदर किसी का अंडा भी नहीं आना चाहिए। हमने कहा अगर और जोरदार जोड़ लगाओगे तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं प्याज लहसुन का खाना भी अलाउट बंद कर दूंगा, पता नहीं तुम लोगों को। तो लोग घबरा गए, अरे भैया नहीं सर प्रभु प्याज लहसुन अलाउ करते रहो सर जी, हम अपना जो है अंडा अंडा बाहर खा के आएंगे। तो जो है कहते हैं कि जो ऐसे चर्चाएं जहां भी भक्त बैठे, जहां भी वो लोग जो है बैठे बातें करें, उनका क्या रहना चाहिए, वो भगवान के गुणों का व्याख्यान होना चाहिए। गुणों का व्याख्यान होना जरूरी है ना। अगर गुणों का व्याख्यान होना है तो कहते हैं तो चलती है तो पूछ बोले क्या चल रही होंगी। अब अगला क्वेश्चन उनके उसके ऊपर आ रहा है, अब उसके ऊपर आएगा कि जो चलती रहोगी, बोला कि चलती रहोगी तो ये, अब वो ये क्या है उसके पहले प्रवाजी लिखते हैं। सताम शब्द इधर इस्तेमाल हुआ, सताम इस श्लोक में आपने जब पढ़ा भी तब देखा सताम शिव ही समागम है ना, यानी सताम शब्द कहते हैं का अर्थ है शुद्ध भक्त, जैसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। तो अगर जो है आप, तो अभी अगर कोई व्यक्ति कहता मैं शुद्ध भक्त हूं है ना, तो शुद्ध भक्त हूं कहने का मतलब है कि उसने भगवान की सेवा में खुद को लगा रखा हुआ, तभी अपने आप को वो शुद्ध भक्त बोल सकता है, अन्यथा नहीं बोल सकता। और उसके अलावा उसको कुछ पसंद ना आए, यानी जो करूं उसमें भगवान सेंटर में होने ही चाहिए, हर हालत भगवान सेंटर में होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं, तो इधर जो है कहते हैं इसमें प्रभा जी एक लाइन लिखते हैं कि भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगत में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आप किसी भक्त से, तभी कहा जाता है भक्त के साथ सत्संग करना चाहिए, भक्त से अगर आप किसे सुनेंगे, भक्तों के साथ बैठेंगे सत्संग करेंगे, और ऐसे भक्त शुद्ध भक्त किसे जुड़ेंगे, तो आपका अपने मन से जो जीवन शैली है ना वो परिवर्तित हो जाएगा। आपको लगेगा अरे उष्मा ऊर्जा मिली मुझे, आप कथा सुन के अरे प्रभु आज तो बहुत आनंद आया है ना, क्यों, क्योंकि हम शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं। और शुद्ध भक्त कौन है, प्रभुपाद जी जिन्होंने लिखा है, हम उनकी वाणी सुन रहे हैं, हम उनकी वाणियों को डायरेक्टली सुन रहे हैं, तो उनके शब्दों को सुन करके हमें जो है हमारे अंदर परिवर्तन आता है। और कहते हैं कि और उसमें स्वतः भक्ति होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे और उसी तरह शुद्ध गोस्वामी भी थे। अब वो दोनों क्या है, वे दोनों समान स्तर पर थे, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं से अभ्यस्त थे जबकि शुकदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे, यहां तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। ऊपर ऊपर से महाराज यक्ष शिक्षित और शुकदेव गोस्वामी, तो यक्ष शिक्षित ये परीक्षित होना चाहिए, हाँ गोस्वामी में विरोधाभास, यानी परीक्षित महाराज याद हो रही, परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अगर आप दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यानी आप भी भक्त हैं हम भी भक्त हैं, तो क्या होगा, दोनों लोग बैठ करके क्या करेंगे, दोनों लोग बैठ करके भगवान की ही चर्चा करेंगे, है ना। और ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, हो सकता है कई बार, मैंने जब पहली बार प्रवचन स्टार्ट किया था तो जो है मतलब कथा स्टार्ट करी थी अपनी बहुत साल पहले, तो उस समय जब मैं कथा करता था तो जो सुनने वाले थे वो सारे दीक्षा प्राप्त लोग बैठे थे, और जब मैं दीक्षा प्राप्त नहीं था तब मैं कथा कर रहा था, वो लोग भी उसी ध्यान से सुन रहे थे कि जैसे किसी बहुत बड़े महान आदमी से सुन रहे हैं ऐसा लगता, और सामने उनको देख के मैं पहले घबरा जाता था कि सारे दीक्षा प्राप्त बैठे हैं लोग सुन करके और उनको मैं क्या कथा सुनाऊंगा, मतलब जो कथा सुना सकते हैं वो तो सामने बैठे हैं और जो सुनने योग्य व्यक्ति उसको गति रहती सुनाने के लिए, तो उस वक्त जो है मुझे बहुत डर लगता था कथा सुनाने में। तो जो है लेकिन वो लोग अब वो सुनाए हम सुनाए, कोई अपनी कहानी मैं सुनाता या अपनी कहानी सुनाते तो सुनने में आदमी को प्रॉब्लम होती, लेकिन बात तो भागवतम चल रही ना, चर्चा तो भागवतम की हो रही, तो पता चला अब ये कोई और सुना दे, कोई भी आकर के भागवतम की बात कर रहा तो हम ध्यान से सुन लेंगे बैठ करके, है ना।
यही होता है। तो इसीलिए जो है इसमें श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार व्यासकी ही शब्द के बाद चा शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे। एक एक भागवतम के श्लोक में श्री जीव गोस्वामी और अन्य जितने गोस्वामी लोग हैं उन्होंने क्या किया है, गोस्वामियों ने बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करी है एक एक श्लोक में, ज्यादा श्लोक नहीं एक एक श्लोकों में, और बहुत बहुत चर्चाएं करी है। आप सोचिए मतलब उनके जो है अगर आप देखेंगे तो उनकी टीकाएं इतनी मिलेंगी और पूरी पूरी संस्कृत में, यानी एक संस्कृत श्लोक देखकर उन्हें लंबा लंबा संस्कृत की टीका मिल जाएगी, ऐसा ऐसा है। तो इसलिए उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं करी है इसमें। अब सत्रवां श्लोक जो है पढ़िए संतोषी माता जी, आप पढ़ पाएंगे सत्रवां श्लोक, क्या आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं आसपास? अनम्यूट 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 अनम्यूट, आप म्यूट में, म्यूट में है, म्यूट में है, या मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? हरि बोल, मेरे वाला सबको आवाज आ रही प्रभु जी, अरे हाँ बोलिए बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूँ संतोषी माता जी आवाज आ रही क्या सबको? नहीं नहीं आ रहा, तो संतोषी माता जी आप जो है बाद में सुनाइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम जो है अभी आवाज तो पूनम माता जी बैठी ना, हाँ हम सबको मौका देना चाहते हैं जो लोगों को दे नहीं पाते। आप आपका श्लोक है सत्रवां श्लोक, अभी जल्दी अभी जल्दी जल्दी में देर हो रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं नो प्रॉब्लम। तो जय चलिए पुनीति माता जी आप पढ़िए फिर। आयु हरति वै पुंसाम उद्यान अस्तम चयन असौ तस्य हरते यत् क्षणितः उत्तम श्लोक वार्तया। बहुत उत्तम माता जी, हरि बोल। तो आप लोग जो है धीरे धीरे करके मैं आगे करूंगा कि आप ही लोग श्लोक पढ़ेंगे और आप ही लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय, एक क्लास हफ्ते में एक क्लास कोई भी किसी एक व्यक्ति को चर्चा करने के लिए दिया जाएगा, वो पूरा श्लोक अच्छे से पढ़ के आए और अच्छे से उसकी चर्चा करें। हम देखना चाहते हैं श्लोक पढ़ने के साथ साथ क्या आपको कथा करना भी आ गया कि नहीं आ गया, है ना? थोड़ा एक किसी श्लोक में धीरे धीरे मिला करेगा, एक हफ्ते पहले बता दिया जाएगा ठीक है, और उसको आप लोग तैयार करके बैठेगा, वो पूरी कथा वही सुनाएंगे। लेकिन शर्त यही है जैसे ही आप लोग टॉपिक से बाहर जाएंगे कथा को वहीं रोक दिया जाएगा, है ना? हम चाहते हैं दिशा सही हो, कथा का टॉपिक सही हो, अपनी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि मेरे ख्याल से नहीं, प्रभु जी ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा, मैंने आज तक अपना ख्याल जोड़ा कभी 1.5 साल में नहीं, मैं तो एक अपने आप को पोस्टमैन समझना है, अपना ख्याल जोड़ना है तो ये एक सही फोरम नहीं है। हमें अपना ख्याल, हमें सीधे बस पढ़ के सुना देना है, भागवतम में जो लिखा है उसी को पढ़ना है, उसी को सुनाना है, अपना कोई विषय नहीं बताना, मेरे ख्याल से कभी नहीं होना चाहिए, है ना? एक जो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं परंपरा, नहीं तो परंपरा टूट जाएगी। जैसे हमने अपना मेंटल स्पेकुलेशन मेरे ख्याल से भगवान ने बोला है परंतु मेरे ख्याल से ऐसा भी है, वो कभी नहीं होना चाहिए, है ना? हमें एज इट इज लोगों को परोसना है। जब आप एज इट इज परोसेंगे ना तो परिवर्तन दिखाई देगा, लोग चिकन छोड़ देंगे, मांसाहार छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिल्कुल भक्ति में सात्विकता में लग जाएंगे। अगर आपने अपना ख्याल देना शुरू कर दिया ना कभी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमें उतनी शुद्धि शुद्धता है ही नहीं। अगर ओमकारेश्वर अपनी अपनी ख्याल देने लगेगा तो आप में कभी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि मुझे में उतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आप में परिवर्तन ला सकूं। परिवर्तन लाने का काम तो प्रभात जी कर रहे हैं, मैं तो पोस्टमैन हूं, चिट्ठी दिया आपने पढ़ा आप में परिवर्तन हो गया, मैं तो क्यों ला करके आपको डोनेट पर सामान उठाया दे दिया, कितना ही काम है मेरा, दूसरा कोई काम ही नहीं। तो जो है कहते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक, ये श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आयु हरति, कितना सही बात बोली है, सूरज उगता है और अस्त होता है तो आपकी हम सबकी आयु क्या हो रही है, हर क्षण हर रात के बाद एक रात आयु कम हो जाती है, छीण जा रही है। ये मानते हैं ना, सूरज उगा और अस्त हुआ, हमें लगा कुछ नहीं हुआ। जरा अपनी 15 साल पुरानी फोटो देख के देखिए, मैं अचानक थोड़ा सा देखा मेरा हार्ड डिस्क क्रैश कर रही थी, जिसमें आधी लोगों की बहुत छोटे छोटे की फोटो थी, इन लोग जब कैमरा खरीदा था बहुत साल, जब 10 साल पहले, तो मैं उस समय की फोटोज थी, मैंने कहा बैकअप बनाता हूँ अपने आप को, मैंने 10 साल पहले देखा तो मैंने आज के अपना सेल्फी लेकर के बगल में लगाया, मैंने कहा व्यक्ति तू वही है।
मेरे बाल ऐसे होते थे कि मैं अपने खोपड़ी ऐसे हिलाता तो बाल भी ऐसे ऐसे हिला करते थे साथ में। आज तो हिला तो कुछ हिलने की जरूरत ही नहीं है। तो जो है ऐसा जब अपना दिखा, मैंने कहा अरे ये इंसान कौन है जो जो पहले था, अरे ये तो मैं था, तो ये कौन है जो सामने दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि अंतर आपको इतना ज्यादा दिखेगा अपने शरीर में, क्योंकि हर क्षण एक शरीर खत्म, हर 7 साल में शरीर की सारी चीजें बदल जाती है। आपको शायद पता होगा एवरी 7 ईयर्स में आपको सडन चेंज नजर आएगा बॉडी में, लोग पता नहीं चल पाता क्योंकि हम लोग बहुत स्लो मोशन होता है, तिनका तिनका कमजोर हो रहा है शरीर, एवरी डे छोटा छोटा सा शरीर कमजोर हो रहा है, वो हमें पता नहीं चलता। तो जो है उसी ढंग से, लेकिन अगर कोई भगवान की सर्वोत्तम भगवान की चर्चाएं कथाओं में, कथाओं को चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, भगवान की बातें करता है, तो उसकी आयु क्षीण नहीं होती, मतलब वो अमर हो जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि आयु कैसे क्षीण हो, मतलब आयु कैसे, कोई अमर कैसे हो सकता है? इस पर साफ साफ उसकी आयु क्षीण नहीं होती। इसका मतलब कौन बताने की कोशिश करेगा? आयु क्षीण नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब आयु तो आप देखिए, आप भक्ति करें तो ही बुढ़े होंगे, तो ही मर जाएंगे, अच्छा तो होना ही आना, मतलब प्राण तो निकलने ही निकलने, शरीर तो खत्म होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी, प्राण तो खत्म होने हैं। तो मतलब क्या इसका, आयु क्षीण नहीं होती का मतलब क्या हुआ? चलिए कोई कोशिश करिए। हाँ चलिए, पहले पहले जुगेश प्रभु की आवाज सुनिए, जुगेश प्रभु कंटिन्यू करिए। प्रभु जी, आयु क्षीण ना होने का मतलब जो भी आयु जो भी समय भगवान की सेवा में लगा दिया गया, उनको समर्पित कर दिया गया, वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो मतलब फलीभूत हो जाएगा, वो मतलब आपकी आयु में कोई चेंज, मतलब आप तो वैसे चिरंतर हैं, आपकी आयु तो कभी कम होती ही है, आपकी आयु तो बढ़ती रहती है हमेशा, और आप अगर शरीर सोचोगे तो वो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपके शरीर नहीं, आप तो चिरंतर भगवान के दास हैं। तो आपकी आयु जितना समय उनकी भक्ति में लगा दिया, वो समय जो है आपका वो कामयाब समय माना जाएगा, वो आयु आपकी एक अच्छी जगह पे लगाई गई आयु मानी जाएगी, वो समय माना जाएगा। बहुत अच्छा बताया कि आयु क्षीण। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं इनके अलावा? अजय प्रभु आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि यहाँ यहाँ दो बात बोला गया है, एक आयु क्षीण होती है, एक आयु क्षीण नहीं होती। जो आयु क्षीण होती है वो भौतिक लोगों के लिए, जो भौतिक जीवन जी रहा है, जो अध्यात्म में नहीं उसकी आयु क्षीण होती है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, यानी जब आप अपने आप को सही बोलते हैं तो वो क्षीण होती है, वो मरती है, लेकिन जब आप अपने आप को आत्मा बोलते हैं तो अध्यात्म हो गया तो वो तो शाश्वत है, तो फिर वो मर ही नहीं सकती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए, हाँ सिंधिया बोलिए। मेरे हिसाब से प्रभु जी आपने तेज बोलिए, सबको सुनाई देना चाहिए। आपने ऐसा बोला है ना कि जितने दिन भक्ति आप करते हैं आपका नेक्स्ट जन्म में उतनी भक्ति से आगे ही बढ़ता है। वेरी नाइस, है ना। तो जैसे मैंने अभी 10 साल भक्ति करी और मैं, मेरा मतलब मैं नहीं रही, तो जब नेक्स्ट मेरा जन्म होगा तो वो 10 साल की जो मेरी आयु की जो भक्ति होगी वो इंक्लूड होगी और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बहुत तो इसको मतलब मेरे हिसाब से ये आयु क्षीण नहीं होगी, मतलब जितनी आयु आपने भक्ति में लगा दी है वो कभी क्षीण नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब जो है इसमें आपका हिसाब कहाँ से आ गया ये बोलिए। भगवान भगवत गीता में भगवान ने बोला है, तो भगवान के अनुसार उसकी आयु क्षीण नहीं होगी जिसने जो है, तो अपने कभी भी शब्द में प्रीचिंग करते वक्त कथा बोलते हो मेरे हिसाब से शब्द का इस्तेमाल कभी मत करिए, है ना। हमेशा क्या करिए, भगवत गीता के श्लोक से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति जितनी पूजा कर लेता है, जितनी भक्ति कर लेता है, वो उसकी स्थिर हो जाती है, वही उसको इतना ही मिल जाती है। तो उतने के टाइम अगर आपकी जो है 1 घंटे की कीमत मान लीजिए $100 है और आपको 10 आवर्स का पैसा, आप 10 आवर्स मेहनत करके करें तो आपको $100 में $1,000 मिल गया, नहीं तो अगर आपने 10 आवर्स नहीं भी मेहनत करी और आपको पहले किसी ने $1,000 दे दिया, इसका मतलब आपके आपके टाइम का जो वैल्यू है वो तो आपको पहले ही मिल गया, मतलब वो टाइम अपने 10 घंटे वेस्ट नहीं हुए, है ना, छीण नहीं हुआ, वो 10 घंटे बिना छीण हुए ही आपको कितना मिल गया, आपको पूरा $1,000 साथ में आ गए। तो कहने का यही मतलब है कि आपको जो ज्ञान आपने जो अर्जित किया और जो भी आप प्रभु जी सभी ने जो प्रभु आप लोगों ने आंसर किया, बहुत अच्छे आंसर किए, सभी लोगों ने एक ज्ञानी की तरह आंसर किया है, और आंसर इसके कई हो सकते हैं, इसमें से भी एक आंसर है, तो मैं सबके आंसर को इसकी सराहना देता हूँ। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं?
किसने कुछ अच्छा ना प्रभु जी मुझे भी बोलना है। हाँ, नहीं जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो जैसे एक ही चीज सच है यहाँ पर ब्रह्मांड में, वो है गोलोक। और गोलोक में क्या होता है कि हम लोग कृष्ण सेंट्रिक होते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं उन्हीं की। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर ही भक्ति करके हम भक्ति कर रहे हैं उनको, कृष्ण सेंट्रिक कर रहे हैं, तो हम हमें तो मतलब यहीं पर वृंदावन, यहीं पर गोलोक ही बना लेंगे तो हम मरेंगे, मतलब मरना जीना मरना हो तो वो तो खत्म ही हो जाता है। बहुत अच्छी बात माता जी, बहुत अच्छी बात। तो आपने जो को सही बोला। अब इसमें एक इन सब में मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि आयु क्षीण होने का मतलब क्या होता है, क्या हुआ इधर। जैसे आपने क्या किया, एक एक क्षण जो आपने भगवान की सेवा के लिए निकाला वो आपका कहलाते हैं शाश्वत जीवन बताता है कि आपके आपका जीवन शाश्वत हो गया है ना। एक शाश्वत जीवन के बारे में आपको ज्ञान मिलता है और आपका जीवन शाश्वत हो गया, उससे क्या हम पहुंच गए भगवत धाम पहुंच गए। तो वो जो आयु आपकी जो क्षीण होती है भगवत धाम में, तो किसी का क्षीण नहीं होती है। तो आपके पूरे पूरे एफर्ट से, भक्ति से अगर आपकी आयु क्षीण नहीं हो रही है, अगर आप भक्ति में पूरा ध्यान लग रहा है तो और से आपको गोलोक मिलता है, तो इसका मतलब है कहीं भी आयु क्षीण नहीं हुई, वो आयु तो फिक्स हो गई, अमर हो गए कभी भी। तो इधर उसका मतलब है कि ये भी है, ठीक है। तो आपने जो आंसर बताया उसे प्रभुपाद जी ने, तो उसमें बोलते हैं मध्वाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म विद्यते है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते पुनर्जन्म विद्यते। मतलब जहां जाकर के दूसरा द्वारा जन्म नहीं होता वो स्थिति मिल जाती है, इसलिए वो व्यक्ति अमर हो जाता है ना, ठीक है। अब एक बार जल्दी से 18वां श्लोक भी कर लेते हैं। तो शिल्पी आप पढ़िए 18वां श्लोक। वेरी गुड। तरवा है ना, कह रहे तरवा, यहाँ वृक्ष को एक बहुत बढ़िया उदाहरण के लिए लेके आया गया है। और जो है इसमें एक जो तरवा किम ना जीवंती, क्या जो पेड़ पौधे हैं वो क्या जिंदा नहीं रहते, जीवित नहीं क्या, नहीं जिंदा रहते क्या। और कहते हैं भस्त्रा किम ना श्वसंती, आप ये बताइए भस्त्रा किसको पता है, भस्त्रा मतलब धौंकनी, लुहार की धौंकनी, सांस नहीं रहती, ये धौंकनी किसको पता है, बिहार में पता होगा लोगों को। अजय प्रभु बताइए आप, मालूम है प्रभु जी। हाँ बताइए किसको पता है, पहले अजय प्रभु बताइए। लोहा को जो गर्म करता है तो उसके सामने देखिएगा जमीन में कोयला रहता है और एक जैसे से बड़े खिसते रहता है, उसको खिसते से उसमें हवा जाता है और नीचे से आग आता है और लोहा को गर्म करके। एक ये भी है, बढ़िया है। और जुगेश प्रभु बताइए, हाँ जुगेश प्रभु बताइए। फूंक मारने के लिए होती है प्रभु जी, जैसे हवा देने के लिए ना, ताकि कोयला जलता रहे या कोई भी चीज जल रही, तो या किसी चीज को क्लीन करने के लिए, मिट्टी धूल उड़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं वो, ऐसे ऐसे पन्नी होती है वो। हाँ। लेदर की, ऐसे दोनों। और ये संतोषी माता जी डेली धोंकनी यूज करती है अपने चूल्हे में, जब अभी आजकल करते हैं पता है, जब जाओ उनकी घर खाने तो धोंकनी यूज करती है हवा देने के लिए। तो हवा देने का कॉन्सेप्ट है, उसको खींच खींच के हवा दीजिए वो भी धोंकनी कहलाएगा, फूंक किए वो भी धोंकनी कहलाएगा। तो क्या वो सांस नहीं लेती, कहने मतलब है क्या उसमें हवा नहीं जाती, जिस चीज से हवा बार बार जाए आए मतलब वो सांस ले रही है, तो उसको कितना चतुरता से, जो जगह जो जो वैष्णव है ना बहुत चतुर होता है, अपनी बातों को कितनी चतुराई से रखना चाहिए, वैष्णव से बेहतर कोई नहीं जानता, वैष्णव बहुत चतुर होता है अपनी बातों को रखने के, कितना चतुराई से बोला गया धौकनी सांस नहीं लेती। अब आप कंफ्यूज रहिए धौकनी सांस कैसे लेती है, तो उसने सांस दिया जाता ले रही। हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीरपात नहीं करते, तो कहते हैं वो क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको धीरे से आगे पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछे, कि सब तो वही कर रहे हैं लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो सब नहीं कर रहे, यानी सबको एक सब वृक्ष जिंदा है जीवित है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जो सबको ही नहीं कर रहा, तो काम आगे पता चलेगा अगले श्लोक में। तो कहते हैं जीवन के जो
बहुत ज्यादा है भाई, खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने आनंद लूटने, इन्हीं में जीवन चला जा रहा है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं आप सोचिए, लोग जो है सोचते हैं जीवन लंबा, पहले अभी किसी से मैं डिस्कशन हो रहा था, कहते हैं प्रभु जी आप तो ऐसे बोले लेकिन फैक्ट ये है जब से साइंस बढ़ा है लोगों को जीवन लंबा हो गया, लोग जो है लंबा जिंदा जीवन रहना शुरू हो गए। हमने कहा अच्छा वो कैसे, ये प्रभु जी देखिए पहले क्या होता था, एक बीमारी आती थी पूरा पूरा गांव गांव साफ हो जाता था, आज जो है पोलियो ड्रॉप पिला दो, या पहले कौन सी बीमारी होती थी ऐसे एक दो बीमारी होती थी, प्लेग वगैरह था, पूरा पूरा गांव साफ हो गया, उसकी दवाइयां मिलने लगी, तो देखिए गांव बिल्कुल बचा रहता है, सब कुछ सही रहता है। तो हमने कहा कि जो है आप बात तो बिल्कुल सही है ना, यानी आप बिल्कुल सही ये बात बोल रहे हैं कि जो है पहले होता था, लेकिन आज केस क्या है, अगर कोई प्लेग में नहीं मरता जो मरने वाला होता था, तो प्लेग में नहीं मरता तो जाके ध्यान से देखो तो बस एक्सीडेंट में मर जाएगा। प्लेग में नहीं मर जो मरने वाला था उस वक्त, जिसकी आयु फिक्स थी, वो एक्सीडेंट में नहीं मरेगा तो पता चलेगा उसी का जो है भाई भाई को गोली मार देगा, बाहर से पड़ोसी आके गोली मार के चला जाएगा, है ना, कहीं जाएगा तो सुसाइड कर लेगा, मतलब उसकी मृत्यु जब है, मृत्यु तो है, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रभा जी कहते हैं कि जो सोचते हैं कि उम्र बढ़ाने के सिद्धांत है वो सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उम्र तो बढ़ाई नहीं जा सकती किसी की, क्यों, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते मर जाता है, क्या क्या साइंस नहीं है उसके लिए, क्या उसके लिए डॉक्टर्स नहीं है? आज अच्छा अगर ऐसा ही होता है उम्र बढ़ सकती तो क्या सबको जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं तो होता ही नहीं जो 70 साल के 80 साल 90 साल के पहले मरता। मृत्यु तो हर उम्र में हो रही, ऐसा क्या गारंटी है क्या कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल का है तो नहीं मरेगा? कोई मुझे इस बात की गारंटी दे दे तो हम मान लें कि हाँ चलो अभी साइंस ने क्या किया है, लोगों को मरने से बचा लिया। प्रभु यादव जी कभी साइंस लोगों को मरने से नहीं बचा सकता, ये बहुत बड़ी बिल्कुल बेकार की बातें हैं, जिसमें कोई कहता है कि डॉक्टर ने साइंस आया तो उसने ऐसा कर दिया तो उससे नहीं मरेगा तो उससे मरेगा, काल आया है तो आएगा जरूर, इस बहाने को रोको तो उस बहाने से आ जाएगा, पानी आ रहा है तो 10 रोको तो 10 बह जाएगा, उधर से रोको तो उधर से बह जाएगा, बहना तो वही है, उस काल को तो आना ही आना है। मेरी माँ बोल रही भगवान के विज्ञान को कोई नहीं रोक सकता है प्रभु, अगर किसी अगर मैं बता रहा हूँ अगर सबको गारंटी मिल जाएगी 70 साल पक्का तुम जियोगे जियोगे, आपको मैं लिखित दे देता हूँ कि कई बिजनेस ऐसे बंद हो जाएंगे, मरना तो हमें 70 साल तक ही नहीं, तो डॉक्टर तो वैसे ही खत्म, हॉस्पिटल वैसे ही खत्म, चुटुर पुटुर कोई डॉक्टर होगा सर्दी खांसी वाला, बाकी जीवन रक्षा वाला किडनी करा तो क्या नहीं खाएंगे, जो मरना तो ही 70 साल में जा करके, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किस गारंटी मिल जाएगी, अगर कोई तो आजकल जो जो भी चीजें बिक रही हैं दुनिया में किसके लिए बिक रही पता है, एक भय के लिए, कहीं मैं मर ना जाऊं, बस ये चीज आया तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी कहीं मैं मर ना जाऊं। जितना डॉक्टर चल रहा है, जितना खान पान चल रहा है, जितना प्रचार चल रहा है, आप सोचिए 90% उसमें इसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है, भय का इस्तेमाल, ये खाएंगे तो आप बलिष्ठ बनेंगे, ये खाएंगे तो विद्वान बनेंगे, ये खाएंगे तो ये बनेंगे वो बनेंगे, हैं जीवन लंबा होगा, कैसे लंबा जीवन हो जाएगा। भगवान ने बोला दिस इज द एंड, दिस इज एंड, दैट्स इट, उसी समय खत्म होना है, उसके पहले कैसे जो है लंबा जीवन, कैसे लंबा जीवन क्या कोई हमारे हाथ में, आदमी को लगता है देखो उसने योगा किया इसलिए वो 100 साल जिया, अरे बहुत से योगा करने वाले हैं जो 50 साल में निकल गए। हमारी माँ कल बताती है कोई कहते हैं डांस वगैरह जो दिन में डांस करता है कोई, कल मेरी मम्मी बता रही थी, लेकिन कोई कोई कोरियोग्राफर कोई पता कोई ऐसे पिक्चर में कोई पतला सा कोई कोरियोग्राफर है पता नहीं कौन है, मुझे नाम हम तो नहीं बता पाई माँ, रेनू रेनू करके कोई बंदी है, बंदी है बंदा है, अच्छा रेमो डिसूजा की डेथ हो गई क्या, उसका नाम तो हमने, अच्छा अच्छा हाँ, अरे मुझे पता नहीं क्षमा कीजिए, अच्छा हार्ट अटैक आया तो ठीक है, तो मतलब सोचिए यानी कितना भी कर दीजिए, यानी कोई कितना ही डांस दिखा दे आप हमको ये ना मुझे नाम पता था, मेरी माँ नाम बता पाई। हमने रेमो डिसूजा का एक एक वो था चैनल जिसमें वो जज बन के आया था, तब मैंने रेमो डिसूजा को देखा कि उसका जज बना हुआ था, रेमो करके एक बिल्कुल
है व्यक्ति तो उसे पता चला था, अभी पता चला उसकी जो डेथ हो गई ना, लेकिन उसका डेथ आया था केवल, इसलिए कहते हैं अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। अभी मैंने उसका उसको भी तिलांजलि दे ही होती जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और बहुत सारे नॉन सेलिब्स भी वो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाते हैं, रिंकल्स हटाना, लाइक नोज मोटा है तो उसको पतला करना और इतनी सारी सर्जरीज करा तो लेते हैं, उसके बाद जो उनके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली श्रीदेवी देखो तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, वो कॉस्मेटिक सर्जरी से ये डांस है और ये सब ये मेंटेन करके ही वो इतनी रेखा देखो, रेखा वॉज नॉट दैट ब्यूटीफुल जो अभी वो है, जो अभी दिखती है लाइक यंग दिखती है वो, इस वजह से क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरीज और ये फेक सर्जरी से ये लोग इतना पहुंचते हैं। तो इसीलिए एक दिन अचानक आता है प्रकृति, प्रकृति से खिलवाड़ करके एक समय आता आता है कि सब जो है तो इसीलिए आप लोगों में कोई तो नहीं जा रहा ना कोई कोई कॉस्मेटिकल ऐसे, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ जाने जो नहीं, हम लोग तो जैसे भी दिखने लगे वैसे ही अच्छे दिखने लगते। प्रभु जी मैं जब 20 20 22 साल का 18 साल का यंग था जब, मतलब अब तो मैं 50 का हूँ लगते तो है नहीं प्रभु, आप मुझसे छोटे लगते हैं। उस टाइम पे भी अगर मैं कहीं सैलून वगैरह पे आता ना, मेरे को बोलते थे, मैं सबको देखता था वो अपना ये चमकाने में लगा हुआ शरीर और ये फेशियल और पता नहीं ब्लीचिंग और पता नहीं क्या क्या चीजें, मेरे को नाम नहीं पता, वो सब कराते रहते थे एक एक दो दो घंटे बैठ के। वो मेरे को पूछते सर आप कराओगे कुछ, आप ये करा लो, आप ये करा लो, कलर फेज हो जाए। मैं मन में सोचता हूँ क्या जरूरत है यार, शरीर तो रहना जी। प्रभु जी मैं बताऊँ, शादी के समय पर जब मैं गया तो मैंने जाके जाने वाला नहीं था वहाँ गाजियाबाद में, तो मैं एक बैठा गया, मैंने कहा भाई बाल काट दो, उसके पहले दाढ़ी में हमेशा हमेशा शेविंग में अपने हाथ से करता हूँ, तो उससे मैंने कहा भाई बाल वाल काट दो, थोड़ा सा शादी है परसों के दिन तो बाल तब सेट हो जाएंगे। कहता अरे बाल सेट हो जाएंगे आपको शादी है तो आपको फेशियल करा लो, दो तीन दिन चेहरा बहुत हो जाएगा, मैंने कहा चमक जाएगा, लाइट मारेगा, क्या बिल्कुल लाइट मारेगा। मुझे नई जिंदगी में पहले कभी फेशियल सुना भी नहीं था कि फेशियल होता क्या है, मैं बैठ गया। अब उसने पहले अपने हाथ से कहता शेव कर देता हूँ वहां से, मैंने कर दो, उसने अपने हाथ से शेव कर दिया खूब, पता नहीं ऐसे घिसा ऐसे घिसा ऐसे घिसा, मैंने निकाल लिया नाक ही निकाल लेगा पता सारी, और खूब कर करके उसने खूब बहुत देर तक घिसता रहा आधे घंटे। उसके बाद मैं जब उठा तो मुझे जो है लगा कि इसने तो कुछ कुछ सफाई कर दी है, कुछ कुछ तो हो रहा है। दूसरे दिन क्या, हमको दूसरे दिन सुबह बस से निकलना था, और बस से यूजली दिल्ली से कानपुर में बारात लेके जानी थी, तो 12 घंटे का रास्ता था, और उस 12 घंटे की जगह बस ने ले लिया 24 घंटे। क्यों, ऐसी जगह से लेके चला गया जहाँ पूरे टाइम 12 घंटे जाम में खड़े थे, तो ले लेके 24 घंटे में दाढ़ी भी निकल आई, और उस दाढ़ी जो उसने बनाया था, जिसने शेव किया था अपने हाथ से, वो चूंकि अपने हाथ से करता रहा तो अपनी दिशा अलग हो गई, उसने पता नहीं कैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसने छुरा नहीं चला था, जैसे हथौड़ा चला रहा था, खींच खींच के दबा दबा के उसने किया, तो खूब दाने भी निकल आए, और चेहरा मुझे लगा कि मैं जिंदगी में कभी फेशियल और किसी ना इज्जत तो कभी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, इसलिए जो है दाढ़ी निकला और खूब दिमाग खराब, और वहां पे जाकर के फिर मैं दाढ़ी के साथ मैंने माला डाला उसके शरीर, उसको जो है जो शादी हमें 8 बजे फिक्स थी, हमने रात को 2-3 बजे करी, तो जो है खैर ऐसा होता है प्रभु जी, इसलिए बिल्कुल दूर से ऐसे खुद का सलून, प्रभु जी हमने खुद का सलून खोला, उसमें जब भी हम जाते तो हमारे आदमी लोग साथ लाइए बैठ के कर देने, केवल बाल काटना कुछ नहीं करना, फ्री में भी नहीं करवाना वो काम जो मैंने उसको झेला था। खैर तो जय ये चीज, तो हमें कहते हैं इसमें कि दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब कुछ आपको जीवित नजर आ रहा है, आएगा लगेगा ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है एक लगे भाग, क्या ऐसा चीज है जिसके सब लोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग पढ़े अगले श्लोक में कर लेते। सब लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते सब लोग, वो क्या नहीं कर सकते वो अगले श्लोक में पता चलेगा, और जो जो हम लोगों करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर जो है किसी कुछ कहना सुनना है तो कह सुन लीजिए, नहीं तो फिर अल्प विराम की तरफ पढ़ते हैं, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोले। धोखनी कबीरदास के एक दोहे में भी आता है धोखनी, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो कल आप जरूर सुनाइएगा प्रभु जी, कल सुनाइएगा जरूर हमको। धोखनी कबीरदास जी किसी धोखनी कबीरदास जी किसी दोहे में धोखनी आता है ना, लेकिन वो अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अनुराम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा हरे कृष्णा।